हेलो फ्रेंड, आज हम मल्टी स्पन डिजिटल टाइमर का MDT2312 ऐप का सेटिंग और कनेक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी सेटिंग सेट करते हैं, उसके बाद कनेक्शन देखेंगे। तो इसकी सेटिंग के लिए इसको पावर देना होगा। पहले इसको सिंगल बेस का पावर सप्लाई देते हैं। लाइन और न्यूट्रल सप्लाई दिया है। ऑन करने से पहले रिसेट की को प्रेस करके रखते हैं, बाद में सप्लाई ऑन करते हैं तो डायरेक्ट सेटिंग में आ जाएंगे। वन जीरो जीरो टाइम यूनिट है, इसमें हम अलग अलग तरीके से सेटिंग कर सकते हैं, जैसे सेकंड, मिनट और घंटे की। रिसेट की दबाएंगे तो सेकंड, ये मिनट आ गया, ये घंटे आ गया। वहां पे सेटिंग पे सेट करते हैं और 200 ये टाइम रेंज है, इसमें अलग अलग तरीके से अपन सेट कर सकते हैं। डेसिमल कहाँ चाहिए, 300 डिले ऑफ और डिले ऑन का है, अपने को डिले ऑफ चाहिए इसलिए डिले ऑफ रखा है। और रिसेट किसे ऑफ और ऑन दोनों कर सकते हो। 400 अपने को टाइम ऊपर की तरफ चलना चाहिए या नीचे की चलना चाहिए, तो अपने को डाउन 1 2 3 ऊपर से नीचे की तरफ चलना है इसलिए डाउन सेट करेंगे। 500 मेमोरी का है, मेमोरी नो और यस, मेमोरी नहीं चाहिए इसलिए नो सेट किया है। 600 ऑटो मैनुअल का है, अपने को मैनुअल चाहिए इसलिए। और 700 आउट का है, प्रोग्राम अपना जो सेटिंग है वो सेट हो गया है इसलिए रिसेट की प्रेस करेंगे। तो चलो टेस्ट करते हैं। ये अपने पास एक SMPS है, इसको अपन टाइमर से रन करके देखेंगे। टाइमर को स्टार्ट करने के लिए एक स्विच का अपने स्विच का प्रयोग करेंगे।
टाइमर का इधर 5, 6 और 7 6 कॉमन है और 7 नंबर स्टार्ट का है। तो अपन इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये 7 नंबर स्टार्ट और 6 नंबर कॉमन है। ये कॉमन रीसेट में भी काम करता है और स्टार्ट में भी काम करता है। तो अपन ने दोनों स्विच के वायरिंग कर लिया है। अब इसका एक NONC रिले है, इसमें दो रिले है, जो इसमें से एक NONC रिले अपन इस SMPS को चालू करने के लिए काम में लेंगे। तो इसका भी अपन वायरिंग कर लेते हैं। SMPS का न्यूट्रल और टाइमर का न्यूट्रल, SMPS और टाइमर का न्यूट्रल कॉमन रखेंगे। सप्लाई के लिए और जो ये SMPS का फेज है वो टाइमर की लाइन वाले से उठा के टाइमर के रिले के कॉमन में इसको डाल देंगे। नौ 8, 9 और 10 9 नंबर कॉमन है, 8 SMPS का दूसरा न्यूट्रल, दोनों का SMPS और टाइमर का कॉमन किया हुआ है और SMPS का लाइन का जो वायर है वो टाइमर की रिले के NO में देंगे। 8 नंबर NO है, 8 अपनी कंप्लीट हो गई है। ये लाइन का अपन ने यहां से उठा के डायरेक्ट कॉमन में दे दिया जो SMPS में रिले के थ्रू जाएगा। अभी इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग कंप्लीट हो गई है, कनेक्शन करते हैं। टाइमर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। लाइन न्यूट्रल, ये टाइमर में दो रिले हैं, इसमें रिले का एक NO और एक कॉमन जो अपने SMPS को चालू करेगा और ये टाइमर को स्टार्ट करने के लिए। तो एक बार चालू करके चेक करते हैं कि अपना टाइमर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करते हैं, अपना टाइमर चालू हो गया है। इसमें अपन ने 20 सेकंड सेट किया है, 10 कर देता हूँ, 10 सेकंड सेट कर दिया है। अभी प्रेस करेंगे NO पुश बटन, टाइमर चालू हो गया, SMPS भी चालू हो गया है।
10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये अपना टाइमर ऑफ हो गया है और SLBS भी ऑफ हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।